दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंगर की इलेक्ट्रिक कैटल SKT-120 ब्रियो के बारे में। ये एक 1200 वाट की कैटल है, इसकी कैपेसिटी है 1.1 लीटर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें आने वाले कुछ कॉमन फॉल्ट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो कैटल के नीचे लगा एलिमेंट वाली असेंबली और एक ये टेबल टॉप जिससे एसी कोड जुड़ी है और कैटल के कनेक्टिंग पॉइंट इसी से कनेक्ट होते हैं। इसमें ये दो कनेक्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एसी कोड इसमें सीधे ही जुड़ी होती है, तो इन दोनों कनेक्टिंग पॉइंट पर सप्लाई चेक करके आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि कोड ठीक है या नहीं। देखिए जैसे ये सप्लाई आ रही है इसका मतलब टेबल टॉप सही है और ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती भी नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कैटल के ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन में, यानी थर्मोस्टेट में या एलिमेंट के कनेक्टिंग थिम्बल्स में रस्ट आने की वजह से। देखिए ये है कैटल की बॉटम साइड, ये है मेटल के रिंग, इन दोनों से न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन कनेक्ट होते हैं और ये जो पिन है ये ग्राउंड कनेक्ट होती है। ये है कनेक्टर असेंबली, इसी के नीचे थर्मोस्टेट होते हैं और इसी में से स्विच और पावर इंडिकेटर के कनेक्शन निकले होते हैं। आइए इसको खोल कर देखते हैं। ये है थर्मोस्टेट, पहले हम थिम्बल चेक करते हैं। ये देखिए कितना रस्ट लगा हुआ है इन पर, पहले हम इनको सैंड पेपर से साफ करेंगे। अगर थिम्बल ढीले हों तो इनको दबाकर टाइट करें और फिर लगाएं। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए हमें असेंबली को पूरी तरह से खोलना होगा। ये देखिए दोस्तों ये थर्मोस्टेट के पॉइंट, सबसे पहले हम इनको सैंड पेपर की पतली स्ट्रिप से साफ करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये केटल नहीं चल रही थी, इस साइड वाले थर्मोस्टेट की ऊपर वाली पत्ती मुड़ी हुई है। नॉर्मली इसको उधर वाली पत्ती की तरह सीधा होना चाहिए। थोड़ा ये स्क्रू लूज है, इसको टाइट कर देते हैं, पहले इसको भी क्लीन कर लेते हैं और इस मुड़ी हुई पत्ती को सीधा कर देते हैं। अब इसको नीचे मोड़ते हैं उतना ही जितना उधर वाली पत्ती सीधी है। अब देखिए दोनों साइड की पत्तियों में बराबर गैप है। चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं कि सही से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। ये देखिए ये सही काम कर रहा है और ये वाला भी, हाँ ये भी सही काम कर रहा है।
आइए अब इसको वापस असेंबल कर देते हैं। अगर कैटल सही होगी तो हमें दोनों रिंग पर एलिमेंट की कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए ऐसे, इसका मतलब ये सही है। इसको एक बार टेबल टॉप पर रखकर देखते हैं। ये देखिए पावर लैंप ग्लो हो रहा है। अब कैटल का बॉटम कवर लगा देते हैं। चलिए अब इसको एक बार पानी डाल के गर्म करके देखें। ये देखिए दोस्तों पानी उबलने लगा है, मतलब ये बहुत बढ़िया प्रॉपर काम कर रही है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप इलेक्ट्रिक केटल को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।